हाय फ्रेंड्स, आई एम मरियम एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज का टॉपिक है 3 गोल्डन रूल्स। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं 3 सुनहरी रूल्स की तरफ, 3 गोल्डन रूल्स की तरफ। सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो ये है कि लाइफ गोज ऑन। जी, ज़िंदगी चलती रहती है, ये एक बहुत ही सुनहरी प्रिंसिपल है, रूल है इस यूनिवर्स का कि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। चाहे आप रुक जाएं, चाहे आप मायूस हो जाएं, चाहे आप डिसअपॉइंट हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। लोग इस दुनिया में आते हैं, लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स चेंज होते हैं, लाइफ में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी कभी नहीं रुकती है। आपकी लाइफ में अच्छा वक्त भी आता है, आपकी लाइफ में बुरा वक्त भी आता है। लोग आपके साथ धोखा भी करते हैं, लोग आपके साथ प्यार भी करते हैं, हर चीज़ अब जो है वो आती और जाती रहती है अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। तो अगर ज़िंदगी नहीं रुकती तो आपको भी नहीं रुकना चाहिए, आपको भी ज़िंदगी के साथ मूव करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ज़िंदगी में इवेंट्स हैं वो तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ज़िंदगी में चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। आप कभी भी ये नहीं ये देखेंगे कि ज़िंदगी रुक गई, किसी चीज़ के ना होने की वजह से ज़िंदगी रुक गई, या फिर किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुक गई, या फिर अगर कोई इंसान जो है उसने वो कोई काम नहीं कर रहा या फिर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, रुक गया है, डिसअपॉइंट हो गया है ज़िंदगी से, मायूस हो गया है, और उसके ऐसा करने से ज़िंदगी रुक जाएगी। देखिए, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, ज़िंदगी ने मूव करते रहना है, ज़िंदगी ने चलते रहना है, ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म्ड होती रहती है, लेकिन रुकती कभी भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकती। तो जब ज़िंदगी नहीं रुकती तो फिर आप क्यों रुक जाते हैं, आप क्यों रुकते हैं? आपको भी अपनी ज़िंदगी के साथ चलना चाहिए, हमेशा मूव करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी लाइफ में होता है वो किसी न किसी वजह से हो रहा है, वो किसी न किसी रीज़न के तहत हो रहा है। तो उन चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करते जाएँ और आगे बढ़ते चले जाएँ। लाइफ में ये मत सोचें कि आज चीज़ें क्यों ख़राब है, तो अगर चीज़ें ख़राब हैं तो मुझे भी रुक जाना चाहिए या फिर ज़िंदगी से मायूस हो जाना चाहिए। ज़िंदगी से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उनको ही अपने साथ लेके चलती है जो ज़िंदगी के साथ चलते हैं, नहीं तो ज़िंदगी तो चलती रहती है, मूव करती रहती है। जो लोग रुक जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। तो लाइफ गोज़ ऑन। सेकेंड रूल है कि चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए, डोंट कंट्रोल द थिंग्स। आप जितना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके हाथ से रेत की तरह जो है वो फिसलती चली जाएंगी। जितना आप लाइफ में चीज़ों को, इवेंट्स को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, आप देखेंगे कि लोग भी आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं जब आप उनको कंट्रोल करते हैं। आप किसी इवेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो इवेंट भी जो है वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाता है। आप किसी चीज़ को, किसी मटीरियलिस्टिक थिंग को अपनी लाइफ में रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं रुकता। जितना आप कंट्रोल करेंगे उतनी ही ज़िंदगी में चीज़ें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसलती चली जाएंगी। तो चीज़ें जो भी हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे आपकी लाइफ में आपकी सहूलियात हैं, जो भी है उसको आज़ाद छोड़ें, आप उसको इंजॉय करें, उसको जिए, क्योंकि यहाँ पर लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज़ ने एक वक्त तक आपके साथ रहना है, उसके बाद उसने जाना ही जाना है, मूव करना ही करना है। तो अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो फिर आप उनकी प्रेजेंस को इंजॉय नहीं कर सकते। अगर आप चीज़ों को, उनकी प्रेजेंस को, इवेंट्स को, जो आपकी लाइफ में खूबसूरत इवेंट्स आते हैं, उनको इंजॉय करेंगे तो आप एटलीस्ट उनको जी सकते हैं, आप उनको खुलकर उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको कंट्रोल करते रहेंगे तो फिर आप कभी भी उनको खुलकर जी नहीं सकते, और वो ऐसा नहीं होगा कि आपके कंट्रोल करने से वो रुक जाएंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप इवेंट्स को, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको आज़ाद छोड़ दें। जिस चीज़ ने, जिस इवेंट ने, या जिस इंसान ने जब तक आपकी लाइफ में रहना है तब तक रहना ही रहना है, आपके कंट्रोल करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिव द थिंग्स, लिव योर रिलेशनशिप्स, नॉट ट्राई टू कंट्रोल देम। तीसरा है कि लेट गो, चीज़ों को लेट गो करना सीखें, फॉरगिव करना सीखें। आप अगर किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को दिल पर लगा लेंगे, किसी भी इवेंट को दिल पर लगा लेंगे,
तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्थ ख़राब होगी। जब आप आपके साथ अगर कोई बुरा कर देता है तो आप उसको माफ़ कर दिया करें। अगर आप माफ़ कर देते हैं, इससे क्या होता है कि आप अगले बंदे को फ्री करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ख़ुद को भी फ्री कर देते हैं। जब तक आप किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है, उसको दिल से लगा के रखते हैं ना, तो अगले बंदे को तो जो हर्ट फील होता है, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान आपको होता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को अपने दिल में रखा हुआ है, आपने उन्हें दिल के साथ लगा के रखा हुआ है। उससे क्या होगा, आपकी मेंटल, आपकी स्पिरिचुअल और आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। तो बेटर यही है कि आप अगले इंसान को भी आज़ाद करें, उसको माफ़ कर दें और अपने आप को भी आज़ाद करें और चीज़ों को लेट गो कर दिया करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो कि आपको अच्छी नहीं लगती, बहुत सारी बातें लोग कर देते हैं जो आपको पसंद नहीं आती, तो आप उनको लेट गो करना सीखिए। क्योंकि अगर आप उनको अपने दिल से लगा के रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल और आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है ये ख़राब होगी। तो आप चीज़ों को अपने दिल से लगाकर बिल्कुल भी ना रखें। ये थे 3 गोल्डन रूल्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करती रहूँगी आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।